Can I ask my insurance to send me an email? Is it possible also by email? अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम अल्बानिया। कल का स्कैम अवॉइड करने के बाद आज मैं फाइनली तैयार हूँ अल्बानिया का बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। होपफुली आज कोई मसला नहीं होगा। अभी मैं नॉर्थ मैसेडोनिया के बॉर्डर से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर हूँ और मैं पिछले दो तीन दिनों से नॉर्थ मैसेडोनिया की सिचुएशन फॉलो कर रहा था। उन्होंने अपने बॉर्डर्स जो हैं वो ओपन किए हैं, 5 बॉर्डर्स ओपन किए हैं हर कंट्री के साथ, सर्बिया, कोसोवो, बल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया के साथ। हर कंट्री के साथ जो एक बॉर्डर वो स्पेसिफिक लोकेशन पे ही ओपन है, बाकी सब जो हैं क्लोज्ड हैं। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जा रहा हूँ बल्गारिया की तरफ और उसका जो बॉर्डर है वो बिल्कुल टॉप पे सर्बिया के साथ लगता है, तो मुझे पूरा चक्कर ऊपर से नीचे आना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ग्रीस में यहाँ से एंटर नहीं हो सकता क्योंकि ग्रीस ने अपने बॉर्डर्स अल्बानिया और नॉर्थ मैसेडोनिया दोनों के साथ बंद किए हुए हैं। ग्रीस का जो सिर्फ एक बॉर्डर खुला हुआ है वो बल्गारिया के साथ खुला हुआ है, तो इसलिए मैं बल्गारिया ही जा रहा हूँ और वहाँ से कोशिश करूँगा अब तुर्की इंटर होने की। आज के जो प्लान के मुताबिक टोटल डिस्टेंस है बल्गारिया के बॉर्डर तक वो है 350 किलोमीटर। मोस्टली हाईवे है क्योंकि नॉर्थ मैसेडोनिया का जो रूल है, यूरोपियन नेशनल जो हैं वो क्रॉस कर सकते हैं, सिर्फ हाईवे ले सकते हैं और हाईवे पे जो उनके पेट्रोल पंप्स वगैरह हैं वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो मींस मैंने 5 घंटे मेरे पास होंगे, मैंने 5 घंटे में नॉर्थ मैसेडोनिया क्रॉस करना है और अगर मैं 5 घंटे में नहीं क्रॉस कर सकता तो फिर हो सकता है कोई पेनल्टी वगैरह पड़े, लेकिन उसके बारे में हम बात बाद में करेंगे। जब हम बॉर्डर पर जाएँगे तो उस वहाँ की सिचुएशन देखेंगे तो पता चलेगा। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर नाश्ता करने के लिए, बहुत ही भूख लगी है, टकाग भूख लगी है। अभी मैंने मंगवाई है ऑमलेट, यहाँ की मक्खी आ गई, यहाँ की लोकल योगर्ट और साथ में कैपेचिनो। तो अपना नाश्ता करते हैं और फिर हम रंगीली को तैयार करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। सो बाय माय रूम, तैयार हैं हम लोग निकलने के लिए, रेडी हैं। ये था मेरा रूम, अच्छी जगह थी, साथ में वॉशरूम अटैच था और ये सामने बालकनी वगैरह, लेकिन बालकनी से हाईवे का व्यू है, तो ये एक सिंपल सा मोटल था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर खैरियत से आज का दिन भी गुजारना। और बाइक में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 12 लीटर का बता रही है। यहाँ पे एक छोटी सी सीढ़ी थी, ये कोई मसला नहीं है, इसमें रास्ते में डलवाते हैं इससे आई थिंक। तो आज देखते हैं कि हमें कितनी देर के बाद पेट्रोल स्टेशन यहाँ पे मिलता है। नॉर्मली हर 2-4-10 किलोमीटर में ना आपको यहाँ पे पेट्रोल स्टेशन ज़रूर मिलेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा पेट्रोल स्टेशन है। आई थिंक यहाँ पे इन लोगों का मेन काम है, ये देखें बात की और सामने आ भी गया है, तो यहाँ से फुल कराते हैं। प्राइस भी इनकी रिलेटिवली ठीक है बाकियों की निस्बत। हेलो माई फ्रेंड, फुल I am good, thank you. And you? Yeah. So, have you been to Pakistan? No. Yes. No. Pakistan internet. Internet. No discount. No discounts. No problem coronavirus. So, bike ho gayi hai full. Maine check nahi kiya ki mere paas kitne paise hain. Shukar hai iske paas card tha, ATM. ATM कह रहा हूँ, इसने कार्ड से ले लिया, नहीं तो फिर बंदा इसको यूरो दे देता। अल्बानिया में भाई माउंटेन्स ही माउंटेन्स हैं और मज़े की बात यह है कि जैसे ही आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं ना, ठंडी हवा आती है, नीचे वैली में अच्छा खासा गर्म माहौल चल रहा है, 32-33 डिग्री है, लेकिन ऊपर जैसे जैसे मैं आ रहा हूँ आपको ठंडी हवा आ रही है, तो बड़ा सुकून आता है। And the heart is
North Macedonia. Over. Sorry? Over Macedonia? Yeah. Here. Okay, thank you. इस बॉर्डर का नाम है जी कयाफासन। अब देखते हैं कि आगे मैसिडोनिया वाले, ये पहला तो हमारा होगा अल्बेनिया वाले, इनको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए। हेलो सर, ग्रीन कार्ड? यस आई डू हैव, यू वांट टू सी? ग्रीन कार्ड कहते हैं जी इंश्योरेंस वाले कार्ड को। ये मेरा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एंड दिस इज द ग्रीन कार्ड। एक मसला हो गया यार, मैं ये एक इमेजिनरी कार्ड था वो उठा के लिया इसे। सर देयर इज अ प्रॉब्लम देन दिस वन, कैन आई आस्क देम टू सेंड मी बाय ईमेल और समथिंग? This is the same insurance card, but the number is changed of the bike. So ab ye check kar rahe inspection bike ki. Deutsch, yes. Deutsch, English, Espanol. There, this bag? Okay, just a second. So, सारी तलाशी ली है उसने, सारा सामान उतरवाया, इसमें अच्छा खासा टाइम लग गया। और अब देखते हैं, अब दोबारा तो नहीं को पंगा करते ये लोग। थैंक यू। तो अब देखते हैं मैसिडोनिया वाले क्या कहते हैं। मेरे से एक गलती होगी, मैंने जब मैं बाइक की इंश्योरेंस ली थी ना, तो जर्मनी में होता है कि आप जब बाइक रजिस्टर कराते हो आपके पास इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। तो उस टाइम मेरे इंश्योरेंस वाले ने हमें एक इमेजिनरी सा नंबर डाल दिया था कि ये इंश्योरेंस ले जाओ, क्योंकि नंबर उसके बाद मिलता है ना आपको, या अनलेस आपने पहले कोई नंबर रिज़र्व करके रखा हो। तो मैंने कोई नहीं रखा हुआ था, तो इंश्योरेंस वाले ने मुझे वो एक डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी भेज दिया था। उसके बाद फिर मैंने नंबर चेंज करवाया तो उसका जो डॉक्यूमेंट्स आया वो भी घर में था, दोनों सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मेरे जेन में ही नहीं रहा कि मैंने गलत जो है ना वो उठा लिया है डॉक्यूमेंट। और पिछले जो बॉर्डर पे उन्होंने तो चेक किया था, उन्होंने देखा ही नहीं ना, उस पर नज़र ही नहीं मारी। अब ये देख मैसिडोनिया वाले क्या कहते हैं। अगर तो इन्होंने को पंगा किया तो फिर मुझे थोड़ा सा मसला हो सकता है, तो मैं मुझे इधर से हो सकता है कि ख़रीदनी पड़े ना इंश्योरेंस, क्योंकि नया डॉक्यूमेंट्स तो मैं पर ईमेल मंगवा सकता हूँ उनसे, इंश्योरेंस वालों को कहूँगा जैसे ही मुझे इंटरनेट मिलता है ना आज, कि भाई मुझे जल्दी से सेंड कर दो। देखते हैं क्या कहते हैं वो लोग। हेलो सर, यस, बल्गारिया, कैन यू टेल मी विच बॉर्डर ऑफ बल्गारिया इज ओपन? ऑल बॉर्डर इज ओपन, बट यू इफ यू गो Sofia? Yeah. Krivotolanka nearby. Another target. Yes, there is a mistake in the documents and you must get insurance with this 446. Yes. Nobody. Is it possible to buy it here? Okay. Or can I ask my insurance to send me an email? Is it possible also by email? Okay. One question, do you have internet here? We don't. Huh? Go park and come right. Okay. So जी 2 hours की ज़लालत के बाद हम लोग border cross कर चुके हैं। एक छोटी सी गलती की वजह से अभी मुझे 50 euro extra देने पड़े इनको, और सिर्फ 5 घंटे के लिए मुझे इजाज़त है मैसिडोनिया में, और 5 घंटे में मैंने बॉर्डर क्रॉस करना है। तो उसने टाइम भी कमीने ने वो डाला जिस टाइम मैं इधर इंटर हुआ था,
तो अभी मेरे पास तकरीबन 4 घंटे होंगे। और मज़े की बात यह है कि मैं अल्बानिया में इंटर हुआ हूँ, उन्होंने इंश्योरेंस वाला मेरा ग्रीन कार्ड लिया है, उसको उसने रजिस्टर किया, उसकी नज़र नहीं पड़ी। मोंटीनेग्रो में उन्होंने मेरे से लिया है, वहाँ पे भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो 2 कंट्रीज़ में ऑलरेडी उन्होंने इसी कार्ड के ऊपर नंबर जो है ना वो देखे ही नहीं सही तरह ना, जैसे मेरे से मिस्टेक हुई ऐसे उन्होंने की। अगर मेरे पास वो मोंटीनेग्रो में कह देते तो चलो मैं अभी तक जो है ना पीछे से मंगवा लेता उसको। और अभी मैंने दोस्त को कहा है कि वो घर जाएगा और फिर उसकी फ़ोटो खींच के भेज देगा। आगे ट्राई करेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि बल्गारिया के बॉर्डर पे भी हो सकता है मुझे जो है ना रोकें और ग्रीन कार्ड लें। वैसे तो बल्गारिया जो है वो यूरोप का पार्ट है, वहाँ पर ग्रीन कार्ड जो है ना वैसे ही कम मांगते हैं। तो लेट्स सी, अभी ये बंदा अच्छा था यार, पहले उसने कहा कि ठीक है आप ना मुझे ईमेल दिखा दें, लेकिन वो अंदर से जो बंदा आया ना वो बड़ा कमीना था, कहता है नहीं नहीं हमने ईमेल नहीं मांगनी, आप ओरिजिनल ले ली हैं। तो मैंने उसे कहा यार मैंने एक दिन के लिए रहना है, आप मुझे एक दिन की दे दो, या मिनिमम नहीं मिनिमम जो है वो 15 दिन की है और वो 50 यूरो आपको देने पड़ेंगे। लेकिन खैर कोई नहीं यार, ऐसे चीज़ें होती रहती हैं। अब मैं इस पे क्या रोना डाल के बैठ जाऊँ फिर से। कितने किलोमीटर, 240 किलोमीटर है और हमें टाइम कितना बता रही है, 3 घंटे 20 मिनट। तो दरमियान में 1-2 ब्रेक लेंगे तो हमारे 5 घंटे जो है ना वो पूरे हो ही जाने हैं। तो मीन्स हम 6 बजे के करीब जो है बल्गारिया इंशाल्लाह पहुँच जाएँगे। सो दिस इज़ नॉर्थ मैसेडोनिया। 2018 से पहले इसे मैसेडोनिया कहते थे, लेकिन 2018 के बाद से नॉर्थ हो गया क्योंकि ग्रीस का एक प्रोविंस है जिसे कहते हैं मैसेडोनिया, और इनकी आपस में बड़े अरसे से लड़ाई चल रही थी। वो कहते थे कि हम मैसेडोनिया हैं, आप मैसेडोनिया नहीं हैं। तो इसलिए फाइनली उनका इतना प्रेशर था इन पर कि इनको नाम चेंज करना पड़ा। और अलेक्जेंडर द ग्रेट कि जो जाए पैदाइश है, जहाँ वो पैदा हुआ था, वो नॉर्थ मैसेडोनिया की ही सिटी है, सिटी है या गांव है ग्रीस के बिल्कुल साथ। हो सकता है ग्रीस वाले ना मानते हों कि वो नहीं पैदा हुआ था इधर, तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन बकौल इंटरनेट के कि वो नॉर्थ मैसेडोनिया की पहला या कुछ इस तरह करके गाँव का नाम है जहाँ पर वो पैदा हुआ था। तो इनकी और ग्रीस वालों की आपस में काफ़ी लगती है। अभी मैंने एक पेट्रोल स्टेशन पे ब्रेक लिया, तकरीबन कोई 20 मिनट चलाया होगा, ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे मुझे इंटरनेट मिल गया और मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ कि कोई जो है ना बाहर से, सॉरी, कोई जो है मेरे घर से डॉक्यूमेंट जो है उसको लेके फोटोकॉपी का करने उसके एक पिक्चर लेके स्कैन वगैरह करके सेंड कर दे, ताकि बल्गारिया के बॉर्डर पर मेरे पास वो होनी चाहिए। वैसे तो मेरे ख्याल में शायद वो ना ही मांगे, और लेकिन ये कैटलिस्ट अगर मेरे पास होगी ना, तो जैसे अगर मैं इस बंदे को शुरू में दिखा देता ना उधर ही कि ये है, तो उसने मुझे कुछ नहीं कहना था, जाने देना था। लेकिन उसका जो पीछे से आ गया था ना बंदा, उसने काम ख़राब कर दिया। अभी यहाँ पे बैठ के इंतज़ार करते हैं और फिर निकलते हैं। जी आप ना इसकी मुझे स्कैन कॉपी भेज दें, मुझे डर लग रहा है कि मुझे ना 14 दिन से क्वारंटीन में ना इधर रहना पड़ जाए। चलें सही है, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके इस्माइल, ओके अल्लाह हाफिज़। सो हमें जी वो कार्ड मिल गया है, और अब इस्माइल भाई, आपने उनको शायद एक व्लॉग में मैंने थोड़ी सी एंट्री करवाई थी, वीस बादन में मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो उनको मैं अपने घर की कीज़ दे के आया था। तो अच्छे बंदे हैं, मुल्तान के हैं, और मुल्तान के बंदे सारे अच्छे होते हैं। उन्होंने अभी वो गए हैं मेरे घर और जाके वो कार्ड ढूंढा है, क्योंकि मुझे वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हो सकता है मुझे अगले बॉर्डर पे ना फिर रोक लें, तब वो मुझे उसकी स्कैन कॉपी भेज देंगे। तो इंश्योरेंस वाले जो है ना, उनसे मैंने 20 मिनट रابطे करने की कोशिश की है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। और तो मेरे पास 3-3.5 घंटे हैं, और उनमें मैंने एग्ज़िट करना है। अगर मैंने एग्ज़िट ना किया तो 14 दिन जो है ना क्वारंटीन में चला जाऊंगा। और नॉर्थ मैसेडोनिया में क्वारंटीन में मेरा जाने का कोई प्लान नहीं है। ये आप देख सकते हैं यहाँ की मॉस्क है,
इधर भी काफ़ी मुस्लिम हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इनका यहाँ के जो लोगों का मेन रिलीजन है सर्बियन ऑर्थोडॉक्स हैं। ये अल्बानिया के साथ बॉर्डर है, यहाँ पे अल्बानियंस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। जो अल्बानियन ओरिजिन वाले यहाँ पे रहते हैं उनकी और मैसेडोनियन की आपस में काफ़ी झड़पें झड़पें होती रहती हैं, तो इस रीजन में क्योंकि ये अल्बानिया के बिल्कुल साथ रखता है तो यहाँ पर काफ़ी मुस्लिम्स भी होंगे। अभी हमने लिए एक कॉफ़ी ब्रेक और जिस गांव में इसे कहते हैं त्रापचन दौल, आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएट सही कर रहा हूँ, ये प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम विलेज है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इतना बड़ा विलेज नहीं है लेकिन मुझे 3 या 4 मॉस्क नज़र आई हैं और मैंने इससे आगे पूछा है कि मैं कार्ड से पे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे जितनी जगह है वो सारे पैसे मांग रहे हैं और मैंने इनकी करेंसी जो है निकलवाई नहीं है, ना मैं निकलवाना चाहता हूँ क्योंकि अभी तो मैंने बाहर चले जाना है। तो ये बंदा अच्छा था, उसने मुझे कॉफ़ी फ्री में दे दी है, तो ये मौजूद होंगी। मैंने उसको सलाम किया, उसने वालेकुम सलाम, और उसने कहा कि आप बैठते हैं मैं आपको फ्री में देता हूँ। मैंने कहा मौजूद होगी, सिर्फ कॉफ़ी मांगी है, लंच नहीं मांग लिया मैंने इससे, हो सकता था वो भी फ्री मिल जाए, लेकिन अब इतना भी नहीं ना, लोग अच्छे हों तो अच्छाई का फ़ायदा नहीं उठाना चाहते। हम कॉफ़ी पीते हैं, दोबारा कंटिन्यू करेंगे, मेरे पास 2 घंटे और हैं और 160 किलोमीटर रहता है अभी हमारा। अब लगता है सामने ये टूल बूथ आ गया तो हाईवे स्टार्ट हो जाएगी। चेक करते हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव है और साथ ये कि क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं। सॉरी, नो क्रेडिट कार्ड, थैंक यू। ये है जी मैसेडोनिया की हाईवे, नॉट श्योर कि ये सारे रास्ते होगी लेकिन हमारा जो किलोमीटर रहते हैं वो 120 किलोमीटर अभी पड़े हैं। लास्ट वाले जो हमने 15-20 किलोमीटर किए हैं उसमें आधा घंटा लग गया क्योंकि उसकी स्पीड जो थी बहुत स्लो थी। एक घंटा और 1 मिनट हमें और लगेगा और हम लोग ऑलरेडी जो हैं वो लेट हो गए हैं। मुझे डर लग रहा था कि हम लोग जो है ना शायद टाइम पे ना कर सकें, लेकिन सर्बिया का बॉर्डर मैं क्रॉस कर सकता था, अभी उसके बॉर्डर के पास हैं। मुझे लगता ये कि नेविगेशन ने दरमियान में से कोई ना कोई जगह ना मिस की है, क्योंकि अदरवाइज़ हमें बड़े टाइम पर पहुँच जाना चाहिए था। ये तो मुझे सर्बिया ले कर जा रही थी, या जब मैंने बाद में एक जगह इसने बंद हो गई थी नावी तो उसमें मैंने एड्रेस डाला, हो सकता है मैंने गलत बॉर्डर डाल दिया क्योंकि दोनों करीब करीब हैं, इतना ज़्यादा फासला नहीं है। लेट्स सी, होपफुली के बंदे अच्छे हों, जाने दें, कोई मसला ना करें। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए, और जब हम वहाँ से निकले थे उससे अभी पूरा 1 घंटा लेट हैं, लेकिन जो उसने टाइम लिख के दिया तो उसके मुताबिक हम मेरे ख्याल में 1.5 घंटा लेट हैं। लेट्स सी क्या कहते हैं, जाने देते हैं कि नहीं जाने देते हैं, अल्लाह खैर करे भाई। हेलो सर, गुड इवनिंग, दिस इज माय पासवर्ड, आई थिंक This is the also I had to buy the insurance. Thank you very much, sir. Shukar. Bye. So, bye bye Macedonia. अब आ गए हैं बुल्गारिया। Let's see, या अल्लाह भी अब ये भी कोई मसला ना करें, ये बॉर्डर जो है ना रोंद के रख दिए इन्होंने। हेलो मैम,
Sorry? Sorry? I will stay a couple of days in Bulgaria, then to Turkey. Then to? Turkey. Great. No, Turkey. Sorry? तो हम लोग हो गए हैं जी यहाँ से फारिग। इन्होंने बॉडी टेम्परेचर चेक किया है, एक डिक्लेरेशन साइन करवाई है और अब इजाज़त दे दी कि हम जा सकते हैं, इंटर हो सकते हैं। ओ भाई, बड़ा ही अजीब टाइम है ये ट्रैवल करने का, लिटरली हर कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन फाइनली एक और कंट्री में इंटर हो गए हैं। कोई आज मैंने दौड़ाया इसको रंगीली को। अभी किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे जाके सांस लेते हैं, कुछ पीते हैं, फिर देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। फाइनली बल्गारिया में इंटर हो गया हूँ। बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। अभी मैं उनको अपना नंबर दे के आया था और अभी मुझे उस पर मैसेज आ गया इन केस अगर मुझे फ्लू लाइक सिम्टम्स या कुछ भी हो तो फिर मैं उनको बताऊँ। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट था वहाँ पे। और अभी पहला गांव जैसे ही आया जहाँ पे मुझे इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल हुई, मैंने साइन देखा तो यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे ये शॉप है पीछे, आप देख सकते हैं ये वाली, इनसे मैंने इंटरनेट मांगा है, इंटरनेट लेके, और अब मैंने अपना रूम बुक किया है। पास में एक छोटी सी सिटी है वहाँ पे। तो अभी अपनी बाइक खड़ी है वहाँ पे, ये निकलते हैं। और क्योंकि अभी 8 बज गए हैं ऑलमोस्ट, तो आपसे बात होगी वहाँ पे। बाय बाय मीको, गुड बाय। अच्छा जी, ये आ गया होटल बालकान, ये है। आज का दिन बहुत लंबा रहा, लेकिन सबसे अच्छी बात और सबसे मज़े की बात ये कि मैंने आज 2 बॉर्डर क्रॉस कर लिए हैं। चाहे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई नॉर्थ मैसेडोनिया के बॉर्डर पे एनीवे, और इनके 5 घंटे की जो पॉलिसी है उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली मैं स्कॉपिये नहीं जा सका। मेरा प्लान ये था कि मैं वहाँ पर सेंटर में जाऊँ, क्योंकि उनका सेंटर छोटा सा जो ओल्ड टाउन है वहाँ पर 1 square kilometer के रीजन में 30 मॉस्क्स हैं जो ऑटोमन तौर की हैं। और वो मेरा प्लान था कि मैं कोई थोड़ा सा टाइम निकाल के जा सकूं, लेकिन बाय लॉ मुझे इजाज़त नहीं थी कि मैं ऑटोबान या हाईवे जोन की है उससे हट के कहीं और ट्रैवल करूं, क्योंकि अगर कोई पुलिस वाला मुझे देख लेता है तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए मैं अनफॉर्चुनेट नहीं गया। और मैंने बड़ी मुश्किल से वैसे 5 घंटे के बजाय 6 घंटे में अपना सफ़र पूरा किया है। सो अब मैं बल्गारिया में हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है अगले कुछ दिन, जितने भी दिन मैं यहाँ पे रहूँगा, इसको एक्सप्लोर करेंगे। होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया, और अगर पसंद है तो लाइक का बटन दबाना ना भूलेगा, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।